नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी की एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो 1000 पजल की सीरीज में आज है आपका डे नंबर 130, ठीक है, जिसमें हम लोग 4 पजल्स करेंगे 12 मिनट के अंदर विद टाइमर। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट आज का शेड्यूल बता दूं, जो आपका डेली का रहता है अनअकैडमी और यूट्यूब का। ये आपकी सारी फ्री क्लासेस है, ठीक है, कोई भी पेड बैच नहीं ले रही हूँ मैं इस टाइम। जितनी भी क्लासेस हैं वो फ्री हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ एवरीवन, अनअकैडमी की तरफ से एक टेस्ट लिया जाता है हर हफ्ते, जो अनअकैडमी कॉम्बेट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। 36 क्वेश्चन होते हैं 50 मिनट में, फ्री लाइव टेस्ट है। हर संडे को ये टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस टेस्ट से आपके क्या 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 फ़ायदे होते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट तो ये कि आप इस टेस्ट को देने के बाद में आप ऑल ओवर इंडिया एक कॉम्पिटिशन रख पा रहे हो और सारे स्टूडेंट के संग में। इसके साथ साथ बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, आप स्कॉलरशिप के तौर पर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भी जीत सकते हो एज अ प्राइज, ठीक है। तो हरी अप गाइस, एनरोल करो जल्दी से। इनवाइट कोड आपको यूज़ करना है, पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं DIVYAYT10 या फिर DVZLIVE, ठीक है। आप कोई भी कोड यूज़ कीजिए, दोनों से ही आपको एनरोलमेंट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे और आज की पहली पजल आपके सामने है। पजल 2 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, तो 3 मिनट का एक एवरेज टाइम है, बट हम लेंगे केवल 2 मिनट। चलिए एवरीवन, तो 2 मिनट के टाइमिंग बहुत है इस पजल के लिए, 2 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा है। 9 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक है, ठीक है। आगे आपसे बोला जा रहा है 5 बॉक्सेस हैं एल के ऊपर, तो आपने यहाँ पे एल के ऊपर सबसे पहले 5 बॉक्सेस ले लिए, ठीक है। हमने ये लिए 1 2 3 4 5, ये हो गया एल, और टोटल 6 हो गए, 7 8 9, ये हो गए 9। 3 बॉक्सेस एल एंड पी, 1 2 3 पी डिसाइड। 5 बॉक्सेस पी एंड जे, 1 2 3 4 5 जे डिसाइड। विच इज़ इमिडिएटली अबव वाई, मतलब कि जे जो है वो वाई के एकदम ऊपर है। 3 बॉक्सेस एफ एंड एस, तो इधर आ जाएगा 1 2 3, ये भी सही है और इधर भी आ सकता है, तो अभी रुक जाते हैं। विच इज़ प्लेस समवेयर बिटवीन पी एंड एल, मतलब कन्फर्म है यहाँ पर एस जो है वो कहीं ना कहीं इन प्लेसेस पे आएगा, क्योंकि वो बीच में है कहीं ना कहीं पी और एल के। आगे बढ़ेंगे, F टॉप पे नहीं है, ओके। अगर S यहाँ पे होगा तो F टॉप पे जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा S, 1 2 3, ये हो गया आपका F। D अबव है S के, तो एक ही जगह खाली है, और W नीचे है G के, तो ये होती है हमारी पजल डन। चलिए पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन।
चलिए तो 2 मिनट वैसे मैं दे रही हूँ, बट आप लोग इसको 1.5 मिनट के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, 7 बॉक्सेस हैं एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ बोली है कि सीट्स 8 है। मतलब कि आपको यहाँ पे ये समझ में आता है कि भाई आपके पास में जगह बैठने की 8 ही है, ठीक है, जिसमें से एक क्या है खाली है। अब बोला गया है इसके बाद में कि सारे आउटसाइड हैं। अब यार आउटसाइड बेशक आपको दे रखे हैं, बट आप इनसाइड लेके बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम सेम बनेगा। 2 सीट बिटवीन ए एंड जी और जी बी के सेकंड लेफ्ट में है, तो देखिए जरा कहाँ से स्टार्ट करें। वैसे तो ये लाइन सही है, यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ले लिया जी को, ये हो गया ए, ये हमने लिया जी और ये हो गया ए। अब आपको पता है जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में जी है। द वन फेसेस बी एडजेसेंट टू वेकेंट, मतलब जो बी को फेस करेगा वो वेकेंट होगा। इन दोनों में से यहाँ कन्फर्म है यही वेकेंट होगा। वन पर्सन बी एंड ई, तो इस साइड तो आ नहीं सकता, सो ई, इस साइड आपका ई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको, अब देखो ये गलती मत कर देना बस यहाँ पर कि वन पर्सन की बात हुई है, सीट्स की नहीं, ठीक है। आगे बोला गया है इसके बाद 3 पर्सन बिटवीन ई एंड एफ। अब 3 पर्सन है सो एक वेकेंट होगा, सो 2 3 यहाँ आ सकता है एफ, और 1 2 नहीं यहाँ नहीं आ सकता है, ये आ जाएगा आपका एफ। ई से देखें 1 2 3 ये आ जाएगा आपका एफ। सी थर्ड टू द लेफ्ट है डी के, डी के थर्ड लेफ्ट में सी। यहाँ बात करें इधर तो बन ही नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी गलत हो रही है ये, तो ये वाली गलत है, आंसर हो जाएगा आपका दिस वन। उम्मीद करती हूँ सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इसके अलावा एवरीवन आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बैंकिंग डीजी, ठीक है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, काफ़ी सारी क्विजेस हैं और आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए रखा जाता है और डेली बेसिस पे कंटेंट मिलता है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पजल नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन।
चलिए अभी वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 लोग हैं, ठीक है, अलग अलग कलर लाइक करते हैं, अलग अलग एजेस हैं इनकी, ठीक है, हमको ऐसा कुछ बोला जा रहा है और बस इतना हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पजल को और देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगी। तो हमने यहाँ पे अभी हमको कुछ ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा है कि कोई रैंकिंग वगैरह लेनी है, हाँ, लेकिन एजेस बोली है। अब ओल्डेस्ट वगैरह की बात हो रही है तो ऐसा करते हैं सबसे ऊपर लिख लेते हैं, सबसे बड़ा मतलब रैंकिंग दे देती है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एजेस, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। पहली लाइन है जी थर्ड ओल्डेस्ट है, मतलब ये रहा, और पिंक कलर लाइक करेगा। बी ओल्डर है जी से, दोनों जगह आ सकता है। बी जस्ट ओल्डर है ई से, तो कन्फर्म है बी ई यहाँ आएगा। रेड सेकेंड यंगेस्ट है, नॉट मोर देन 2% यंगर देन ब्राउन, ब्राउन से 2 से ज़्यादा यंगर नहीं है, सो या तो ब्राउन यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। येल्लो जस्ट यंगर देन सी, येल्लो सी के एकदम पीछे है। मोर देन 1% एफ एंड जी, एफ जी के बीच में 1 से ज़्यादा है, मतलब एफ इन दो जगह आएगा। एफ यंगेस्ट नहीं है, एफ डिसाइड, और येल्लो लाइक नहीं करता, कोई मतलब नहीं अब इस लाइन का। द वन हु लाइक ब्लू जस्ट, मतलब जी के एकदम बगल में नहीं है, यहाँ पे दोनों जगह ब्लू नहीं होगा, ना तो यहाँ पे ब्लू होगा ना तो यहाँ पे ब्लू होगा। ई वाइट कलर नहीं है, ठीक है। डी यंगर है ए से छोटा होगा डी। अब कनेक्ट करेंगे सी और येल्लो, तो एक ही जगह बच रही है, ये बचेगा हमारा ए और डी, ये डन। इन दो जगह पे ब्राउन आएगा तो ब्राउन डन, इन दो जगह पे ब्लू नहीं आएगा तो ब्लू डन, ये आपका वाइट नहीं होगा तो सी पर वाइट डन, बचा केवल ग्रीन, आंसर डन। उम्मीद करती हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा पजल नंबर 4, इसमें तो 2 मिनट ही रखेंगे। चलिए एवरीवन सॉल्व करते हैं। 10 लोग हैं यहाँ पर साउथ फेसिंग, मैंने आपको बताया है अगर सारे साउथ फेसिंग हैं तो आप उसको नॉर्थ कर सकते हो। बी 6 फ्रॉम द राइट एंड, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका यहाँ पर बी, ठीक है, क्योंकि ये बोला गया है बी जो है वो 6 है, अच्छा 6 है तो एक और होगा, ये हो गया बी। जी 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, सो 1 2 3 4, और 4 मतलब छोड़कर जी आएगा सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, सो इस साइड नहीं हो सकता, 4 छोड़ के जी इस साइड होगा। डी लेफ्ट एंड में है ये डिसाइड, आई 5 प्लेसेस है डी से, 1 2 3 4, ये आपका आई डिसाइड। एफ 5 टू द राइट है जे के, सो 1 2 3 4, और ये हो जाएगा एफ, एफ जी के बगल में है, सो 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जे। आगे बोला गया इसके बाद में कि ए 5 टू द लेफ्ट है ई के,
सो अगर ए ई के फिफ्थ लेफ्ट में ई को यहाँ ले, 1 2 3 4, हाँ ये आ जाएगा आपका, बट यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन ए जे के बगल में नहीं है, सो ये ए डिसाइड। अब हम लेंगे यहाँ पर ई, तो 1 2 3 4, ये आई के बगल में ई डिसाइड। आगे बोला गया है एच फिफ्थ टू द राइट है सी के, सो ये हो गया सी, ये हो गया एच, और सी डी का नेबर नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पे चारों पजल कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा अनकेडमी के प्लस का प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो इन कोर्सेज को बेस्ट प्राइस पे आप ले सकते हो, एनरोल कर लो अभी, और जो एडवांटेज मिल रहा है अभी काफ़ी सारे ऑफर का, बोनस का, उनका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि प्लस पे आपको अनलिमिटेड बैचेस मिलते हैं, बहुत सारा कंटेंट मिलता है। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो DVGLIVE, या फिर आप कोड यूज़ कर सकते हो DIVYAYT10। चलिए, तो टेलीग्राम पर PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।